The established sports have been winning medals for India at the Asian Games, but a couple of new disciplines have been added to India's medal tally, be it sepak takraw or Kurash, who've won medals at these Asian Games. I have with me two athletes from Kurash, Pincky and Malaprabha, who won silver and bronze on the opening day. Is Asian Games ke pehle Kurash ke bare mein zyada log jante nahi the, but aap dono ne medal jeet ke shayad sabko dikha diya ki Kurash ek sport hi nahi hai jo compete karne aate hain, hum medal jeetne aate hain. कुराश की जब टीम आई थी किसी को नहीं पता था कि हमारा देश मेडल इतने अच्छे मतलब ला सकता है. फर्स्ट दिन हमारी ओपनिंग अच्छी हुई है और आज भी हमारे मतलब जो टीममेट्स हैं उनकी बाउट है अभी रह रही है. मैं चाहती हूँ कि जो हम सपना पूरा नहीं कर सकते फर्स्ट पे लाने का, क्या पता आज वो कर दें. मतलब आपने भी मेडल जीता फर्स्ट डे पे. कुराश देखने के लिए वेरी सिमिलर टू जूडो है, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ये कि कुराश में सिर्फ स्टैंडिंग खेल सकते हैं और जूडो में स्टैंडिंग टू सिटिंग खेल सकते हैं. आप बताइए मुझे, आपने जिस तरह की ट्रेनिंग की, किस तरह की प्रिपरेशन हुई? आप उज्बेकिस्तान गए थे कैंप के लिए. ये कुराश जो स्पोर्ट है यूजली उस एरियाज में खेला जाता है, तो बाकी जो उज्बेकिस्तान और वो कंट्रीज है वो कैसे रिएक्ट किए कि इंडिया इतने आगे कैसे पहुँच गया? नहीं, उन्हें ये पता तो होगा कि इंडिया कैंप लगाने आएगा इधर. हमारा 20 दिन का कैंप लगा था नमांगन में, उज्बेकिस्तान में. वहाँ 3 टाइम ट्रेनिंग होती थी. हमें वहाँ इसलिए लेके गए थे कि हम कुछ मतलब जो हमें ग्रिप का ज़्यादा नहीं पता, उनकी ग्रिप को मतलब समझ पाए कि कैसे क्या ली जाती है और वो क्या करते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग है, या जो भी हमें उनका रहन सहन सब देख लिया हमने 20 दिन में. और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे बस प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है. दुकान भी 75 किलोमीटर दूर थी. मतलब कोई सोचे बाहर घूमने जाने की तो घूमने जा भी नहीं सकता, वही रहना है रूम में ही. गेम से पहले ये भी बात हो रही थी कि पैसे नहीं देंगी गवर्नमेंट या ट्रैक सूट नहीं देंगी. आप लोग जो ट्रैक सूट भी पहने हैं, आप लोग की फेडरेशन ने अरेंज किए, आप लोग ने खुद अरेंज किए, बुरा लगा कि हम इंडिया खेलने जा रहे हैं लेकिन सब कुछ हमें अपना ही खरीदना पड़ रहा है और ये मेडल ने सबको शांत कर दिया? सर, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि सभी खेलने आ रहे हैं तो सबको ऐसे दिए जा रहे हैं और हमको बोला गया कि नहीं, मतलब कि खुद लेने हैं. फिर हमारी फेडरेशन जो कुराश फेडरेशन है उसने हमको बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम जाओ खेलो, जब मेडल आएगा तो क्या पता कुछ अच्छा हो आगे जाके. इसलिए सर बस यही था कि पहले उधर जाके देखते हैं क्या होगा, अब मेडल आ गए क्या पता हमारी कुराश कितनी ऊपर जाए सर. और आपको लगता है कि अब ये जो आप बोले चेंज हो सकता है, आपको लगता है कि ये गलत हुआ कि एक्सपेंसेस भी आपको बेयर करने पड़े? अब आपको लगता है कि जो खिलाड़ी एशियन गेम में आता है, आप उसी अरीना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ विनेश ने गोल्ड जीता, जहाँ बजरंग ने गोल्ड जीता पहले दिन पे, सुशील कुमार इसी मैट पे जहाँ आप थे उसी मैट पे लड़े, लगता है डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए ऐसे? सर होना तो नहीं चाहिए था, पर जो होता है चलो अच्छे के लिए होता है. अब उनको हमसे मतलब और उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि हाँ भाई कुराश को हम सपोर्ट करें, वो आगे जाके हमें कोई अच्छा मेडल देगी और ऊपर जाके.